नगर से लगे समीपस्थ ग्राम परसदा के पास नशे में लत शराबी चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित नहर में जा गिरी, जिससे दुर्घटना में कार सवार नशे में धुत चार युवक घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मठपुरैना रायपुर के रहने वाले नरोत्तम पिता महेश धीवर, रवि पिता जय सागर, चिंटू पिता लखन मटियारा और मोनू उर्फ तोरण पिता गौकरण सारथी कार क्रमांक GC04HB4059 से किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने धमतरी के कुहकुहा गांव गए हुए थे। वापसी के समय ये सभी शराब पीने के लिए नवापारा के छाटा रोड पर स्थित सरकारी शराब दुकान पहुंचे और जमकर शराब पी। इसके बाद इन सभी ने नया रायपुर होकर रायपुर जाने की सोची और कार परसदा की ओर बढ़ा दिया। कार चला रहा मोनू सारथी नशे में कार को काफ़ी तेज चला रहा था, जिसके चलते सोट और परसदा के बीच कार उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सड़क किनारे सूखे नहर में जा गिरा। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार युवक घायल हो गए, जिसमें चालक मोनू बेहोश हो चुका था। इसके अलावा नरोत्तम के कान और सीने में, रवि के हाथ में चोट आई थी। किसी तरह तीनों युवक बाहर निकले और 108 को फोन किया। इधर रास्ते में आने जाने वाले लोगों ने दुर्घटना की जानकारी नवापारा पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस चारों को लेकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आई, जहां चारों का प्राथमिक उपचार किया गया। इधर नवापारा पुलिस ने मामले में आरोपी चालक मोनू उर्फ तोरण के विरुद्ध IPC की धारा 279-337 के तहत मामला कायम कर कार को जब्त कर लिया और कार्रवाई कर रही है। ज्ञात हो कि शराब के चलते आए दिन सड़क दुर्घटना व मारपीट के मामले थाने में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को ही सड़क दुर्घटना में सुंदर केरा के दो युवक की मौत हुई थी। सप्ताह पूर्व कुर्रा रोड में भी दो कार में भिड़त में 5 लोग जख्मी हो गए थे। वहीं फिर आज 4 युवक का सड़क दुर्घटना में घायल होना नशे का सबसे बड़ा कारण है। इन सभी मामलों में शराब पीकर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉकडाउन के शुरुआती समय में शराब दुकानों के बंद होने से सड़क दुर्घटना सहित अन्य मामलों में काफी कमी आई थी, लेकिन आज फिर पहले के जैसे दर्दनाक स्थिति समाज के सामने निर्मित हो रही है। DNX TV के लिए नवापारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।